हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी आलू की टिक्की। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के बॉईल आलू। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, इनको हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे आलू मैश हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को भिगो के रखा हुआ था, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टिक्की में। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती को धो के रखा हुआ है, तो धनिया पत्ती भी इसमें डाल लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच नमक। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कटोरी चावल का आटा, इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रंची बनेंगी। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप आरारोट और ब्रेड का चूरा करके भी डाल सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके ब्रेड को, उससे भी बहुत ही अच्छी टिक्की बनती है। यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये हमारा आलू का डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम लेंगे थोड़ा सा तेल और तेल को हाथों पर लगाएंगे और जिस भी साइज़ की हमें टिक्की बनानी है उसी साइज़ से हम आलू के डो को काट लेंगे और अच्छे से हाथों से प्रेस करके इसको एक गोल टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी ही टिक्की बना के तैयार करनी है हमें। अब हम सारी टिक्की ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी टिक्की बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर हम तवे पर तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टिक्की रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हुई है हमारी टिक्कियाँ, कितनी अच्छी लग रही हैं। इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमारी टिक्की बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, टिक्की हमने पलट दी है, बहुत ही अच्छा कलर आया हमारी टिक्की का। ऐसे ही हम सारी टिक्की को पलट लेंगे। ये देखिए, सारी टिक्की में बहुत ही अच्छा कलर आया है और आप भी ज़रूर ट्राई करना, ये डिश खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। ये देखिए, हमारे आलू की टिक्की बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो चलिए, हम इसके लिए अब चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 6 से 7 मिर्च हरी और 3 टुकड़े लिए हैं अदरक के। आधा चम्मच इसमें डालेंगे नमक। ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच चाट मसाला, इससे हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी, खट्टापन आएगा। तो ये देखिए, हम चटनी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। तो चलिए, टिक्की सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए 3 टिक्की, इनको हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। देखिए, हमें क्रश करके डालना है इसमें मसाला। यहाँ पर हमने डाली है लाल मिर्च पाउडर
नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम डालेंगे इसके ऊपर दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था। दही हम इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए दही को हमने भर के डाला पूरा। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। इसके बाद लाल चटनी डालेंगे हम। ये देखिए टिक्की हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। आप भी ज़रूर बनाना और खाकर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि टिक्की आपकी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।